हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं बीके इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दुम्बालो। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये अभी एक डीसी जो एसी डीसी फैन का कार्ड होता है वो मेरे पास बनने के लिए आया है। इसमें आपको चेक करने का तरीका वगैरह सारा मैं आपको तसली से बताता हूँ। ये इसमें डीसी ओके है, डीसी भी चल रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और इसमें एसी का मसला है, बिजली वाली जो साइड है, बिजली वाली साइड उसमें मसला हुआ है। तो इसमें कौन कौन से पुर्जे वगैरह जलते हैं, क्या क्या अमूमन होता है, सारा फॉल्ट मैं आपको उसमें बता दूंगा और इसमें क्या फॉल्ट है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इसमें जो फॉल्ट है वो मैंने अभी चेक किया है, इसमें मीटर से आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये फ्यूज़ देख रहे हैं आप, छोटा सा ये फ्यूज़ ज़्यादातर ख़राब होता है। इसके अलावा ये जो ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज चार तारों का ब्रिज होता है जो डायोड में डायोड बनाकर एक ब्रिज बनता है, वो ब्रिज ख़राब हो सकता है। आप इसमें डायोड भी लगा सकते हैं, सब ब्रिज दूसरा हो तो वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें दो ही फॉल्ट हैं फिलहाल और सारा ओके लगा पड़ा। ये मैं एक्सचेंज करके आपको ऑन करके चला के दिखाऊंगा। तो उसके अलावा अगर दूसरे को सर्किट है आपके पास कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसका एसी वाले पुर्जे, ये जो रेस्टर वगैरह लगी हुई हैं, कभी कभी ये सारे जल जाते हैं। तो उसमें पता नहीं चलता है कौन कौन सी रेस्टर, कौन कौन से जो पुर्जे हैं वगैरह कौन से नंबर के होते हैं। तो उसका जो डायग्राम बनता है वो उसका एक से अलग से मॉडल मिलता है, छोटा सर्किट मिलता है मॉडल। वो मॉडल आपको मैं इससे अभी इसमें ये मॉडल लगता है, ये मॉडल आपको मैं चेक करा रहा हूँ। ये मॉडल इसमें एसटीआर मॉडल कहते हैं इसको, एसटीआर मॉडल ये इसमें लग जाता है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वीवीआईपी हिसाब से चलता है। इसका जो लगाने का तरीका वगैरह है वो मैं सारा तरीका आपको वीडियो एड कर दूंगा इसकी एंड में, और इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा कैसे मैंने उसको इस डायग्राम को मॉडल को मैंने लगाया था सर्किट पर, वो सारे का तरीका मैं आपको शो करवा दूंगा। इसके अलावा इसमें जो फॉल्ट है वो मैं इसमें फ़िलहाल बनाता हूँ और जो जो मसले वगैरह आते हैं वो मैं आपको सारा तरीका शेयर करता रखा हूँ भाइयों के साथ। वीडियो के साथ बने रहिए और आइए बनाते हैं इससे को सर्किट को। तो सबसे पहले आप इसके फ्यूज़ को चेक कर लें। फ्यूज़ को चेक करने के बाद इसके जो छोटा चोपर लगा हुआ है नीचे चार पॉइंट का, ये वाला, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये ओके हुआ पड़ा है। इसके अलावा आप इसको जो ब्रिज है डायोड ब्रिज उसको चेक कर सकते हैं, ये अभी इसमें ख़राब है। तो उसमें दो ही मसले हैं, एक पावर ब्रिज जो ख़राब है और इसका फ्यूज़ ख़राब है। इसके अलावा जो पीएफ इसमें ब्लू कलर का लगा हुआ है वो पीएफ ख़राब है।